मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ भगवान से, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वो चीज़ मांगे भगवान से कि हे भगवान, मुझे आप इतना भी ऊँचा मत बनाना कि मैं आपको देख ना सकूँ, और इतना भी नीचे मत बनाना कि आप मुझे देख ना सकें। बार तो गणपति मेरा बहुत खास रहा, क्योंकि ये पहला साल है जिस साल गणपति जी मेरे घर पर आए, मेरे नए घर पे। तो हम लोगों ने भी गणपति लिया हुआ था डेढ़ दिन का, तो हमारे घर पे भी बहुत धूमधाम से पूजा हुई, और इको फ्रेंडली गणपति लिए हुए थे हमने, तो उनको अच्छे से इको विसर्जन भी किया, इको फेयरवेल दिया। और वही जो पानी, बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि जब आप पानी में डालते हो तो वो तो डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद में आपने क्या किया, तो मैंने वही पानी जो डिसॉल्व हो गया वो मेरे जो सोसाइटी, जो मेरे कॉम्प्लेक्स का जो फॉरेस्ट है या गार्डन है, वहाँ पर वो गार्डन के जो पौधे हैं, जो पत्ते हैं, जो झाड़ है, वहाँ पर मैंने विसर्जन कर दिया। तो कह सकते हैं कि मेरे इको फ्रेंडली गणपति मेरे ही सोसाइटी में, मेरी कॉम्प्लेक्स में, मेरे आसपास रहते हैं। देखो, मैं मांगने में मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर मांगना होता हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ पापा से कि मुझे तो आपने हाथ पांव दिए हैं तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन जिनके पास वो नहीं है या जो आ नहीं सकते, पापा उनके ऊपर भी अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और उनसे प्यार करे। और हाँ, अपने माँ बाप के लिए भी मैं मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, इतना बड़ा बनाया, क्योंकि पापा मतलब हमारे पापा, तो जो मेरे असली पापा है और जो मेरे असली माँ है, असली माँ बाप, उनके लिए भी मैं मांगता हूँ कि मेरी मॉम डैड को भगवान और खुशी दे और प्यार दे और मुझे और काबिल बनाए, ताकि मैं भी आगे जाके इस तरह किसी मंडल में सेवा कर सकूं, ताकि और भी लोग ऐसे आएं और पापा का दर्शन ले सके। इस साल इनफैक्ट अभी 3-4 दिन के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है मेरा, इट्स अ बिग ब्रांड मूवी, और मैं उसको सस्पेंस ही रखना चाहता हूँ। इट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू ऑल, और आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि वो रिलीज़ होगा वर्ल्ड वाइड एंड एवरीवन विल सी इट। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बताना। मैं मेरे फैंस के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पापा जो है, उनके माता यानी पार्वती माता, जो श्रद्धा का रूप है, और उनके जो पापा है यानी शंकर भगवान, वो कल्याण का रूप माना जाता है। कल्याण यानी मदद करना, कल्याण का रूप यानी किसी और की मदद करना। तो जब कल्याण और श्रद्धा साथ में मिलते हैं तो ज्ञान रूपी गणेश उत्पन्न होते हैं। तो अगर हमारे अंदर भी कल्याण की भावना होगी, दूसरों की मदद करने की भावना होगी, और अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान की भावना उत्पन्न होगी, और अगर ज्ञान की भावना उत्पन्न होगी तो साथ में रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी, रिद्धि यानी धन और सिद्धि यानी फेम। पर मैं आप सभी मेरे फैंस को यही बोलना चाहता हूँ कि ज्ञान की भावना रिद्धि सिद्धि के लिए प्राप्त ना करें, कल्याण की भावना और श्रद्धा की भावना रखें, ताकि तुम्हें ज्ञान मिले और ज्ञान से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो बस दूसरों की मदद करें और खुद पे श्रद्धा रखें, भगवान पे श्रद्धा रखें, तो ऑफकोर्स आपको ज्ञान मिलेगा ही।